हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनामिल और इमल्सन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, एनामिल किसे बोलते हैं, इमल्सन किसे बोलते हैं। एक वर्ल्ड वाइड रेंज में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा जो पेंट की डिमांड है वो एनामिल और इमल्सन के ही डिमांड्स होते हैं। तो हम लोग जो घर में जो यूज़ करते हैं दीवारों पर कौन सा पेंट यूज़ करते हैं, जो हमारे लकड़ी के यानी कि वुड के जो प्रोडक्ट्स है जैसे कि फर्नीचर्स हो गए, दरवाज़ा हो गए, खिड़की हो गए, तो ये सब चीज़ पे हम लोग कौन सा पेंट इस्तेमाल करते हैं, किस कैटेगरी का पेंट आता है और दीवारों पे कौन से कैटेगरी का पेंट आता है, ये सब सारे चीज़ों के ऊपर में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है एनामिल। एनामिल जो होता है फ्रेंड्स वो मैं आपको बता दूँ, ये 50 ml से लेके 20 L तक के एक कंटेनर में आता है। कभी भी एनामिल का जो एक पहचान होता है उस पर एक बड़े बड़े वर्ड्स में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा भी रहता है एनामिल। और मैं ये भी चीज़ आपको बता दूं, एनामिल जो होते हैं वो एक टीन के ही डब्बे में आते हैं। इसमें ये एक सॉल्वेंट बेस होता है, जैसे कि इसमें हम लोग थीनर का इस्तेमाल करते हैं। थीनर जो कि कई प्रकार के आते हैं, थीनर सबसे ज़्यादा जो हमारे कॉमन यूज में आता है थीनर, वो एक केरोसिन का रिफाइन किया हुआ ही प्रोडक्ट रहता है। मैं आपको एक एनामिल का सैंपल दिखा देता हूँ, ये जो है हमारा एनामिल ही है, यानी कि एप्कोलाइट का जो है प्रीमियम स्टेन एनामिल है। और भी आते हैं, एप्कोलाइट का एक सिंपल एनामिल भी आता है, ट्रैक्टर स्पार्क एनामिल भी आते हैं। तो ये मैंने एक आपको एग्जांपल के तौर पे ये चीज़ मैंने आपको दिखाया। अब इसके जो मेन हम लोग यूजेस है कहाँ कहाँ पे करते हैं, एनामिल जो हो गया इसको हम लोग सबसे पहले कोई भी अगर लकड़ी का जो सामान है जैसे कि, या मेटल के कोई सामान है जैसे कि लोहा हो गया, शटर हो गया, जैसे हमारे जो दुकान के शटर्स होते हैं या घर में भी हम लोग कई जगह पे शटर्स गैरेज में यूज़ करते हैं, उसके बाद में ग्रिल हो गए, जो विंडोज़ हो गए, विंडोज़ में जो ग्रिल लगे होते हैं, जो मेन गेट्स होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग इस चीज़ का लोहे पे और लकड़ी पे इस चीज़ का इस्तेमाल होता है, यानी कि मेटल्स और वुड पे इस चीज़ का इस्तेमाल होता है। इस पे क्या होता है कि जैसे अगर हम लोग मेटल पे इसको यूज़ करते हैं तो उसके लिए एक मेटल प्राइमर आता है, जिसे जो एक हम लोग के लैंग्वेज में जैसे कि हम लोग एक डीलर है तो डीलर के एक लैंग्वेज में उसे रेड ऑक्साइड भी बोला जाता है, आम भाषा में उसे मेटल प्राइमर या लोहे वाला प्राइमर इस तरीके से भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग मेटल पे करते हैं तो उसके जगह पे मेटल प्राइमर यूज़ करते हैं, वुड पे करते हैं तो वुड पे हम लोग, वुड में भी दो टाइप के प्राइमर्स आते हैं, एक वाइट प्राइमर होता है और एक पिंक प्राइमर होता है। तो वो सब चीज़ में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी जैसे हम लोग अगर वुड पे करते हैं तो वुड पे सबसे पहले 2 coat प्राइमर होता है, देन उसके बाद में 2 coat हमारा यह एनामिल पेंट अप्लाई होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कुछ क्वान्टिटी में, जैसे कि पेंटर्स जो होते हैं कुछ क्वांटिटी में, जैसे इसमें अगर जो पेंट हमारा है यह काफ़ी एक थिक होता है, काफ़ी गाढ़ा होता है, तो उसमें कुछ क्वांटिटी में जो थिनर्स होते हैं उसको मिलाया जाता है, उसके बाद में उसको स्टेन किया जाता है अच्छे से मिला के, देन उसके बाद में थोड़ा सा पतला करके उसके बाद सरफेस पे अप्लाई होता है। ये जो था हमारा एनामिल का था। इसके एक शेड्स कार्ड आते हैं, मैं आपको शेड कार्ड भी दिखा दूँ। ये हमारा एनामिल का शेड कार्ड है जिसमें आपको सारा जो भी इसमें शेड्स अवेलेबल है ये सारे शेड्स मिल जाते हैं। इसको हम लोग जैसे मशीन से भी बनाया जाता है, मशीन आप लोग पीछे देख सकते हैं वो हमारा कलरेंट मशीन है, उसके ऊपर में हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हमारा एनामिल का जो है शेड कार्ड्स है। तो इतने कलर्स में कॉमनली आपको हर शॉप्स में, हर काउंटर्स पे ये चीज़ आपको मिल जाएगा। सेकंड हम लोग बात करते हैं इमल्सन के ऊपर में, जो कि इमल्सन हम लोग दीवारों पे यूज़ करते हैं, दीवार के जो पेंट्स होते हैं, जैसे आम भाषा में कई लोग होते हैं हम लोग के जो एक लैंग्वेज में बोला जाता है, एक डीलर के लैंग्वेज में बोला जाता है, उसे इमल्सन बोलते हैं, आम भाषा में उसे प्लास्टिक पेंट भी बोलते हैं। तो प्लास्टिक पेंट जैसे है वो दीवारों पे यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक पेंट में कई कैटेगरीज आते हैं, एक छोटे लेवल से लेके काफ़ी एक प्रीमियम और रिच जो बेस पेंट है वो सारा चीज़ अवेलेबल होता है। अब उसमें मैं आपको बता दूं इमल्सन्स का जो मैं सैंपल आपको दिखा दूं, ये जो है ये रॉयल लग्जरी इमल्सन है, जो कि प्लास्टिक पेंट जिसे हम कॉमन वर्ड में बोलते हैं, ये दीवारों के लिए अप्लाई होता है। और इसका अप्लाई करने का तरीका सेम वही है, बट इसमें जो है पानी हम लोग मिक्स करते हैं, वाटर बेस्ड पेंट होता है, इसको वाटर बेस्ड पेंट भी बोला जाता है। तो इसको वाटर बेस, जैसे कि ये दीवारों पे यूज़ होता है, इसके लिए सबसे पहले दीवारों पे प्राइमर किया जाता है 2 coat, सेम इसमें भी फॉर्मूला है 2 coat प्राइमर, देन उसके बाद में 2 coat पेंट। उसके बाद में अगर हम लोग दीवारों पे जैसे अगर पुट्टी करते हैं
कई लोग होते हैं जो पुट्टी नहीं करवाते हैं डायरेक्ट, जैसे अभी नया प्लास्टर किया हुआ दीवार है उस पर लोग सीमेंट पेंट करवा के देन उसके बाद में फिर प्राइमर करवा के उसके बाद में फिर प्लास्टिक पेंट करवाते हैं। तो ये चीज़ अगर हम लोग पुट्टी करते हैं तो इस पर पेंट का जो है अप्रॉक्स 6 से 7 लेयर अप्लाई किया जाता है, क्योंकि पुट्टी पे जो पेंट्स होते हैं वो थोड़ा कम, मतलब उसका कम एडहेसिव रहता है, कम पकड़ते हैं, इसलिए उसको 6 से 7 बार अप्लाई किया जाता है एक ग्लॉसी फिनिश लेने के लिए। फ्रेंड्स, हमारा जो एनामिल और इमल्सन का जो डिफरेंसेस है मेन रूप से यही है कि एनामिल जो है हमारा मेटल पे यानी कि लोहे पे और लकड़ी पे अप्लाई होता है यानी कि वुड पे, और जो इमल्सन्स है वो हमारा दीवार पे ही, सिर्फ और सिर्फ दीवारों पे ही यूज होता है। अगर वो बाहर का दीवार हो तब या अंदर का दीवार हो तब, तो वहाँ पे हम लोग इमल्सन्स ही अप्लाई करते हैं जिसे प्लास्टिक पेंट भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।